हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। स्टेज परफॉर्मेंस ने दिया अपने फेवरेट सुपरस्टार को करीब से देखने का मौका। जैसे अब सिचुएशन पहले जैसी नॉर्मल हो रही है वक्त के साथ, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, स्टारडम एंड फैंडम कुछ एक्टर्स का। रही बात स्टारडम और फैंडम की, तो शाहरुख खान का कोई मुकाबला नहीं। बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट शहनाज गिल, उन्होंने भी अपना नाम बनाया। उमंग 2022 एनुअल कल्चरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम स्पेशली मुंबई पुलिस के लिए रखा गया था। इस एनुअल प्रोग्राम में कई सेलिब्रिटीज आए, बॉलीवुड स्टार एंड टीवी स्टार्स। रही बात परफॉर्म करने की स्टेज पर, तो दोनों जगहों के स्टार्स ने परफॉर्म किया, शाहरुख खान, शहनाज और ऐसे कई और एक्टर। शाहरुख खान ने ऑडियंस का दिल जीत लिया अपने परफॉर्मेंस से। शाहरुख खान को स्टेज पर देखकर फैंस झूम उठे। किंग खान ने स्टेज पर वापसी की एक लंबे समय बाद। सिर्फ स्टेज से ही नहीं, बड़े पर्दे से भी काफी लंबे समय से दूर है, लेकिन जल्द ही उनकी वापसी होने वाली है 2023 में। शाहरुख खान को स्टेज पर देखकर फैंस ने अपनी खुशी जाहिर की ट्वीट करके। किंग खान की लास्ट मूवी थी जीरो, अब वो अपनी धमाकेदार वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाली कुछ फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस भी होगा उनका। पठान मूवी का मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था कुछ ही दिन पहले। हाल ही में फैंस के साथ उन्होंने Q&A भी किया था लगभग 30 मिनट तक। शाहरुख खान के बाद जिसने अटेंशन ग्रैब किया वो है शहनाज गिल। शहनाज गिल का ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस था इवेंट का। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड के सॉन्ग पर ही नहीं डांस किया, अपने खुद के सॉन्ग पर भी परफॉर्म किया, जो फैंस का दिल जीत लिया। और अन्य एक्टर की बात की जाए तो वहाँ प्रोग्राम में मौजूद थे कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, दिव्यांश त्रिपाठी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।